गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो से पाठ नौ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची और जिसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, हम अपनी जो चैप्टर है चिड़िया की बच्ची उसका अध्ययन करते हैं। कि इस चैप्टर में हमें यह कहानी बताई है कि एक माधवदास रहता है। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा लीजा। तो माधवदास के पास सारी सुख सुविधाएं रहती है, सारे धन दौलत रहती है, लेकिन वह अकेला रहता है। तो एक दिन उसके पास एक चिड़िया आके बैठ जाती है उसके बगीचे में। तो वह उसे तरह तरह के प्रलोभन देता है कि तुम मेरे पास रुक जाओ, मैं तुझे धन दौलत से परिपूर्ण कर दूंगा। लेकिन वह चिड़िया है वह नहीं रुकती, क्योंकि वह अपनी माँ के पास जाती है और उसके जो नौकर है उस चिड़िया की बच्ची को पकड़ना चाहता है, लेकिन वह उसके चुगुल से निकलकर अपनी माँ के आंचल में जाकर छिप जाती है। तो ये चैप्टर में यह कहानी है। तो हम पढ़ते हैं, सभी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। माधवदास ने क्या बनवाई है, अंडरलाइन करेंगे हम इसको। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगाया है। और कोठी के सामने उस माधवदास ने क्या लगाया है, सुहावना बगीचा। तो अपना एक नंबर का प्रश्न बन गया ये कि माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है और उसके सामने एक सुहावना बगीचा भी लगाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मंसद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। अब ये है अपना प्रश्न कि माधवदास को किस चीज़ से बहुत प्रेम है, तो उनको कला से बहुत प्रेम है। इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग कि उनको कला से बहुत प्रेम है और उनके पास है, माधवदास के पास कोई धन की कमी नहीं है, कोई गंदी आदत उन्हें छू नहीं सकती है और उनके पास पेड़ पौधे हैं, फूल पौधे हैं, फवारे लगे हुए हैं, जो फवारों में लगा पानी उछलता है तो बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तो वे क्या कहते हैं, कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलाकर मंसद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। उसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, उससे क्या होता है, उनके मानो को तृप्ति मिलती है यानी उनको खुशी मिलती है। और उनके अगर मित्र आ गए साथ में तो विनोद चर्चा भी करते हैं, यानी हंसी मजाक भी करते हैं। वहाँ के वातावरण में बैठे हुए वो हंसी मजाक भी करते हैं अपने मित्र के साथ में। और मित्र वे तो उनसे नहीं तो पास रखे फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर दोस्त आ गए जब तो क्या करते हैं, वो हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ में बैठ जाते हैं। अगर दोस्त नहीं आए, वो अकेले बैठे हुए, तो उनके पास में एक हुक्का रखा हुआ है, उसको वो सटक लेते हैं यानी पी लेते हैं और मन ही मन में ख्याल ही ख्याल में क्या करते हैं, वो संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी जैसे अपने को स्वप्न आता है और हम नींद में ऐसे ऐसे लगता है हमें सच सपना है, वो सच्चा लगता है कि वैसा का वैसा दृश्य हमारे सामने उभर रहा हो या क्रिएट हो रहा हो, तो वैसे ही वो क्या करते हैं, हुक्का पीते रहते हैं और मन मन में कुछ सोचते रहते हैं और उन्हीं ख्यालों में वो खोए रहते हैं। कौन, माधवदास। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनत के सहारे बैठे थे,
उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भाई कुछ खाली सा रहता है। आज कैसा वातावरण था कि आज कुछ आसमान में बादल थे और घटाएं थी वो गहरी छाई हुई थी, तो जो धूप का जो प्रकाश था उन घटाओं से, उन बादलों से छन छन कर आ रहा था। और जो माधव दास थे वो अपने जो मसनद है उसके सहारे बैठे हुए थे, तो वो सोच रहे थे कि जिंदगी में उन्हें क्या स्वाद मिला, कि उन्हें सब कुछ उनके पास है लेकिन फिर भी जीवन में उनका खाली खाली सा है उनका जीवन, वो ये सोच रहे थे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उनका नन्ना सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और उस और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था तो माधव दास देखते हैं कि उनके सामने जो गुलाब की एक डाली थी उस पर एक सुंदर सी चिड़िया आके बैठ जाती है, और वो चिड़िया इतनी सुंदर रहती है, बहुत ही सुंदर रहती है, उसकी गर्दन होती है वो लाल लाल होती है और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई, कि गुलाबी होते होते जो उसके किनारे थे उसके जो वो नीले थे, और ऊपर पंख ऊपर से चमकदार शाह था, पंख थे वो एकदम चमकदार थे, और उसका जो नन्ना सा सिर था वह भी बहुत ही प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, उस चिड़िया के चित्र विचित्र सी चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ मालूम नहीं था, वो चिड़िया बेचारी भोली भाली थी, चुपचाप आके बैठ गई, और उनको ऐसे लग रहा था कि माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, यानी माधव दास यहाँ पर रहता है, अकेला रहता है, वो मेरे साथ क्या कर लेगा, उसे चिड़िया को कुछ पता नहीं था वह, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती कभी फुदकती कभी खुश होती, उसे नहीं मालूम था कि यहाँ वो माधव दास से है, तो वह उस जैसे सुंदर बगीचे में आ गई तो वो चिड़िया भी बहुत खुश हो रही थी, कभी फुदकती कभी इस डाली पर बैठती कभी उस डाली पर बैठती, और वो चिड़िया बहुत ही खुश हो रही थी और अपनी नन्ही से चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी, और उसकी जो छोटी सी नन्ही सी चोंच थी उसे बहुत ही वो प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी, यानी वो इतने सुंदर बगीचे में आकर चिड़िया बहुत खुश हो गई और तरह तरह की प्यारी प्यारी सी आवाज़ है वो निकाल रही थी। अब हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि चिड़िया जो गुलाब की डाली पर जो चिड़िया बैठी थी वो कैसी थी, तो चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी के होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी, पंख ऊपर से चमकदार शह थे, और उसका नन्ना सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था, उसका शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, अगर चिड़िया का हमें पूछा जाए चिड़िया कैसी थी तो हम यहाँ तक उत्तर लिख देंगे। आगे पढ़ते हैं, माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर वह उस चिड़िया का उस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे, उस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है, सुनो चिड़िया तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। जब वो माधव दास है उस चिड़िया को देखता है कितनी स्वच्छंदता से ये कभी इधर बैठ रही है कभी उधर बैठ रही है, अपनी तरह तरह की आवाज़ निकाल रही है, कितनी खुश हो रही है, तो वो तो कहता है कि चिड़िया तुम बहुत अच्छी आई हो इस बगीचे में, तुम बहुत ही अच्छी आई हो, और ये बगीचा है तुम्हारे बिना बहुत ही सुना सुना है, यानी बगीचे में सब कुछ है, फूल है फल है सब कुछ, फवारे चल रहे हैं, बगीचा है, लेकिन ये तुम्हारे बिना सुना सुना है, तुम यहाँ पर रोज आया करो, तुम ये समझो कि ये जो बगीचा है मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तुम यहाँ बैठ खटके आया करो।
इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, माधव दास ने चिड़िया से क्या कहा। माधव दास ने चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी हो, यहाँ से लेके बेक हट के आया करो यहाँ तक, कोष्टक में लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं, चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली आती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। चिड़िया पहले तो असावधान रही, पहले तो चिड़िया जब माधव दास ने उसे ये कहा तो पहले तो वो चुपचाप सुनती रही, फिर ये जाना कि वह माधव दास मेरे से बात कर रहा है तो वो चिड़िया घबरा गई, और फिर उसने सोचा कि मेरे को तो जवाब देना पड़ेगा, तो वह संकोच को जीतकर उसे कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर के लिए यहाँ बैठ गई थी आराम करने के लिए। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपनी भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधव दास ने कहा कि हाँ ये बगीचा तो मेरा तो है, ले ये संगमर की जो कोठी बनी हुई है ये भी मेरी है, और लेकिन इन सब को, मेरी कोठी को, बगीचे को अपना समझ सकती हो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कितनी प्यारी हो, जाओ नहीं यहाँ बैठ जाओ। वह माधव दास है, उस चिड़िया को फंसाना चाहता है, ताकि वह चिड़िया रहेगी तो वहाँ बगीचे में रौनक रहेगी, वो आवाज़ करेगी, कभी इस डाले से कभी उस डाले पर बैठेगी, फुदकेगी तो उसके घर में रौनक रहेगी, तो वो उसे प्रलोभन देता है, लालच देता है कि ये कोठी, ये बगीचा सब तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई, उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है, उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। जब चिड़िया ने ये सुना था कि माधव दास मेरे को ये कह रहा है कि ये सब तुम्हारा ही है, तो उसे बहुत संकोच हुआ, उसने कहा, उसे ये एहसास हो गया कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस बगीचे में आ गई, अब ये मेरे को पकड़ लेगा तो, लेकिन फिर भी वह अपने पर नियंत्रण रखती है और कहती है कि मैं थक गई थी, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, ये बगीचा आपका है और आपका ही रहेगा। यह भी अंडरलाइन कर लीजिए, जब माधव दास ने चिड़िया से वहाँ रुकने के लिए कहा तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया, वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे पढ़ते हैं, माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही धूप क्यों ना रहो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। माधव दास ने, जब चिड़िया कहती है कि मैं तो आराम करने के लिए आ गई थी, मैं आपका बगीचा आप ही रह गए, तो माधव दास से कहता है कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर तो मेरा चित्त है, मेरा मन है वो प्रफुल्लित हुआ है, यानी खुश हुआ है, और मेरा महल भी सुना है, यहाँ कोई चहकता भी नहीं है, ना कोई यहाँ आता है, तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हुआ, इसलिए तुम कितनी प्यारी हो, ये तुम यहाँ ही रहो। वो कहती है कि तुम यही रहो, कहीं मत जाओ। तो वो चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। तो चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, धूप सूरज की धूप खाने और हवा खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी। तो वो उसे कहता ना कि तुम यही रुक जाओ, तो वो चिड़िया बेचारी घबरा जाती है, वो कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं तो यहाँ धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी, कि मैं तो अब ऐसे सोची कि थोड़ी सी धूप खा लूँ, थोड़ी सी हवा में उड़ लूँ, इसलिए घर से उड़ाई थी, अब लेकिन अब सांझ यानी शाम हो गई है,
अब मैं अपने माँ के पास जाऊंगी, अभी अभी मैं चली जा रही थी, आप सोच न करे कि ऐसे बोली कि अभी मैं जा रही हूँ, आप सोच न करे, मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगी। सभी बच्चे होते हैं वो शाम के समय खेलने जाते हैं तो रात को घर लौटते हैं ना, तो वैसे ही वो चिड़िया जो पक्षी होते हैं वो भी क्या होते हैं, शाम के समय अपने घर लौटते हैं। तो वो बोली कि अब शाम हो गई है, मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगी, आपके पास नहीं रुकूंगी। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तब माधव दास है वो उसे तरह तरह के प्रलोभन देता है, लालच देता है कि अरे प्यारी चिड़िया तुम पागल मत बनो, तुम देखो कि चारों ओर कैसी बहार है, देखो चारों तरफ कैसे पानी खेल रहा है, गुलाब है वो हंस रहे हैं, यानी तरह तरह के वहाँ गुलाब लग रहे हुए थे, तो जब हवा चल रही थी तो वह लहला रहे थे, तो वो कहता है कि देखो कैसे गुलाब हंस रहे हैं, और मेरे महल के भीतर भी चल के देखो, उसमें बहुत सारे क्या है, सोना है मोती है, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें सोने का बहुत सुंदर सा घर बना दूंगा, उसमें मोती की झालर लटका दूंगा, तुम उसमें बहुत खुश रहना, और तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है माँ के पास बताओ, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो वो उसे कहता है तुम्हारी माँ के पास क्या है, केवल एक घोंसला है तिनको से बना हुआ, मेरे पास देखो कितनी चीजें हैं। तो वह जो माधव दास है वो चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन देता है। अब अपना प्रश्न यहाँ से बनता है कि माधव दास ने चिड़िया को क्या क्या प्रलोभन देता है, तो माधव दास चिड़िया को प्रलोभन देता है कि तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, कि देखो वहाँ पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, क्या क्या पाओगी, मेरा दिल वीरान है, ये क्या क्या पाओगी यहाँ तक, और मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, उसमें मोती की झालर लटकेगी, तुम उसमें खुश रहना, तुम्हें क्या चाहिए, इस तरह के प्रलोभन है, लालच है, उसको देता है। कौन देता है, माधव दास। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई और वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। जब चिड़िया ये बात सुनती है कि तरह तरह के लालच है वो माधव दास इसको दे रहा है, तो वो बेचारी डर जाती है और डर कर कहती है, मैं तो भटक गई थी, यानी उड़ते उड़ते यहाँ आ गई थी, और थोड़ा सा आराम करने के लिए यहाँ पर आ गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, कि अब मैं कभी भी तुम्हारे इस बगीचे में नहीं आऊंगी, मेरे से ये गलती है वो कभी भी नहीं होगी, मैं अब यहाँ से उड़कर जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, यानी तुम मुझे इतने लालच दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, तुम्हारी बातें मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, और मेरी माँ है उसके जो घोंसला है उसके पास बहुत तेरी धूप आती है, यानी मेरी माँ का जो घोंसला बना हुआ है उसमें बहुत धूप आती है, मेरी माँ है जो मुझे दाने लाकर देती है, यानी खाना खिलाती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी बाट देखती है, यानी पर खोलने से मतलब क्या हुआ, पर खोलने से मतलब है जब चिड़िया उड़ने के लिए बाहर जाती है, यानी घोंसले में बैठती बैठी रहती है, तब तो वो दुबकी रहती है और उड़ेगी जब तो उसके पर खुलेंगे, तो वो बोली मेरे मेरे किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ मेरे जो घोंसले में धूप भी अच्छी आती है, मेरी माँ मेरे लिए खाना बना लाती है, मुझे पानी पिलाती है, और जब मैं शाम हो जाती है तो मेरी माँ मेरी बाट जोती है, यानी मेरी बाट जो ना, यानी मेरे इंतजार करती रहती है कि मेरी जो गुड़िया है मेरी बच्ची है वो कब बाहर से आएगी। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, तो
माधवदास उसे कहता है कि भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तो चिड़िया बोली कि मैं आपको नहीं जानती। मैं किसको जानती हूँ? मैं अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, धूप को जानती हूँ, घास और फूलों को जानती हूँ, लेकिन आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। तो माधवदास कहता है, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। तो माधव वो कहती है कि मैं सेठ माधवदास हूँ और मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तू मेरे को जानती नहीं हूँ, मैं बड़ा धनाढ्य सेठ हूँ, मेरे पास हीरे मोती जवाहरात सब कुछ है, तुम मुझे नहीं जानती। तो चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। तब चिड़िया कहती है कि तो मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मेरी जात तो बहुत छोटी है, आपके पास तो सोना है, चांदी है, सब कुछ है, तो आप फिर मुझे जाने दीजिए। मुझे क्यों रोक रहे हैं मेरी माँ के पास जाने की से? मैं तो यहाँ थक गई थी तो आराम करने आई थी, अब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। तो माधवदास कहता है, चिड़िया तू निरी अनजान है, यानी तुझे अब कुछ मालूम नहीं है, तू मुझे खुश कर देगी तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, यानी तुझे धनवान बना दूंगा, तुझे इतना धन दूंगा कि तू मालामाल हो जाएगी। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी? मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? तो चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, मुझे नहीं पता सेठ किसको कहते हैं, क्योंकि तो वो तो चिड़िया थी। तो वह कह तुम वह कह रहे हो कि मैं सेठ हूँ, तो मैं सेठ को नहीं जानती कि सेठ क्या होता है। होती होगी कोई बड़ी बात, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी बात क्या है, मेरी माँ है, यानी वो चिड़िया की बच्ची है, वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी। तो वह कह रही है कि मेरी माँ है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और अब मैं जब घर से बाहर आ गई हूँ तो मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, और मैं क्या करूँगी मालामाल होकर? मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? वो कहती है, मैं नहीं जानती, और मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना नहीं चाहिए, कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं मालामाल हूँ, मैं जानती भी नहीं हूँ किसे कहते हैं मालामाल होना, और मैं होना भी नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया को ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए तो उसके भीतर थिरक फुदर कर मुझे खुश करियो, मेरा भाग्य तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तब वो जो माधवदास है उस चिड़िया को लालच देता है कि तू सोना नहीं जानती क्या? सोना किसे कहते हैं? सोना सोना वो सोना नहीं, गोल्ड जिसे हम पहनते हैं ना, सोने के आभूषण बनते हैं, तो उसके लिए कह रही है कि तेरे को तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, तू जानती नहीं क्या सोना किसे कहते हैं? सोने से तो बहुत सारी चीजें आती है, सोने से बहुत आभूषण बनते हैं, तो मेरे पास तो बहुत ढेर सारा सोना है वो, और तेरा घर है वो समूचा मैं किसका बना दूंगा? सोने का बना दूंगा, और इस ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा तेरे लिए सोने का कि दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। उसको लालच देता है और तू देखती रह जाएगी, तेरे लिए सोने के कटोरी बना देगा, तू उसमें पानी पीना, सोने की कटोरी में ही पानी पीना, सोने के पिंजरे में ही रहना, और उसके भीतर थिरकना और खुश रहना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। वो उसे इस तरह के लालच देता है ताकि चिड़िया है उसके पास रह जाए। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? तो वो चिड़िया थी, वो जानती नहीं है, तो वो कहती है ये सोना क्या चीज़ होती है? सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। तो माधवदास उसे कहता है
कि तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है, तू इंसान होती तो जानती कि सोना क्या होता है, मैं कितना मालामाल हूँ, मैं कितना सेठ हूँ, तुझे तो अब पता नहीं है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे क्या होगा, तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। बस ये बात जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, यानी सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तो सेठ माधवदास था वो बहुत धनवान था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, तो लोग उससे बात करने के लिए उत्सुक रहते थे, और वो उस चिड़िया से बात कर रहा था। तो वो कह रहा है कि तू मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो कहती है कि तेरी तो किस्मत खुल जाएगी, तू जब का हाल नहीं रहनी, सारे संसार का हाल है वो अभी नहीं जानती। मेरी कोठिया पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे, यानी मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरी कोठियाँ हैं, बगीचे हैं, बहुत सारा सोना है, तू मेरे को जानती नहीं है। तो इस तरीके से वह उस चिड़िया को लालच देकर अपने पास रखना चाहता है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2 से पाठ 9 का इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे का हम कल करेंगे या नेक्स्ट वीक में करेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को, भावेश, लीजा, और आप है इस चैप्टर, इसको दोबारा पढ़ेंगे इस चैप्टर को। जब तक आप दोबारा चैप्टर को पढ़ाए हुए को रीड नहीं करेंगे, तब तक आपके कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो समझ में नहीं आएंगे, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब आपको पाठ पढ़ा दिया जाए तो आप उसका पुनः अध्ययन करें, और फिर उसमें से कोई बात नहीं समझ में आए तो मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके, या फिर मेरे से पूछ करके, आप खुद आकर के पूछ करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना बेटा? लीजा, कुछ पूछना है आपको? होमवर्क कंप्लीट है आपका, तो अपनी कॉपियां हैं वो चेक करवाने के लिए आप अपने पेरेंट्स के साथ में स्कूल में भेज दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।